हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे टीफा स्कैन की। तो गाइस, टीफा स्कैन होता क्या है? टीफा स्कैन एक प्रकार की सोनोग्राफी होती है, और जब सोनोग्राफी में जब नॉर्मल सोनोग्राफी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब टीफा स्कैन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो टीफा स्कैन का पूरा नाम होता है टारगेटेड इमेजिंग फॉर फीटल एनामलीज स्कैंस। तो इसमें फीटल में एम्ब्रियो में भ्रूण में माँ के अंदर जो भ्रूण पल रहा है उसके अंदर कोई विसंगति है, कोई दिक्कत है, जैसे कोई अंग ज़्यादा बन रहा है, बड़ा बन गया है, छोटा बन गया, चिपक गया है इस तरीके से, और कोई भी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हो गया है, या स्प्लेनोमेगेली है, या हेपेटोमेगेली है, कोई कैंसर है, कोई मैलिग्नेंसी है, कोई ट्यूमर है, इस तरीके से अगर कोई भी बात उसमें नॉर्मल सोनोग्राफी में डिटेक्ट होती है तो ये एडवांस टेस्ट होते हैं, इसको करवाना पड़ता है। और ये भी सोनोग्राफी की तरह होता है, इसमें भी पानी पिला के कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत खाना वाना खा सकते हैं, इस तरीके से होता है। और ये 2000 से 2500 के बीच में ये हो सकता है, कहीं कहीं पर 3000 भी इसका रेट हो सकता है। तो इस तरीके से ये सोनोग्राफी से महंगा टेस्ट होता है, और लेवल 2 का ये स्कैन होता है, इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। और इसमें भी इस तरीके से एब्डोमेन जो यूटेरस होता है माँ का, उसकी पूरी स्टडी की जाती है, और जो बच्चे के अंदर एनामलीज होती है, बच्चे का जो हार्ट है उसको आसानी से समझा जा सकता है, उसका जो लंग है और उसका जो फेस है, उसका जो बोन है, उसका जो लीवर है, उसके जो इंटेस्टाइन है, उसका यूरिनरी ब्लैडर है, तो उसमें बच्चे के अंगों के बारे में इससे जानकारी होती है कि वो गड़बड़ नहीं ना है, उसमें कोई बात नहीं ना। अगर कोई उसमें गड़बड़ी देखी जाती है तो उसको एबॉर्शन किया जा सकता है डॉक्टर के एडवाइस से। तो जो भारत में प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का जो कानून है वो 24 हफ्ते का है, यानी कि 24 हफ्ते से ज़्यादा कोई भ्रूण हो जाएगा तो उसको अगर गर्भपात कराना चाहते हैं तो उसको नहीं करा सकते हैं। ये कानूनी रूप से मतलब सही नहीं होता है, इस पे कानून में नहीं ऐसा है। तो 24 हफ्ते से पहले ही उसको टर्मिनेट या एबॉर्शन या उसको गर्भपात कराया जा सकता है। तो टीफा स्कैन के ज़रिए पूरा कंफर्म हो जाता है, उसके बाद डॉक्टर के एडवाइस से इसको एबॉर्शन वगैरह करवाया जा सकता है। तो टीफा स्कैन जनरली जो होते हैं वो 16 हफ्ते से वो 24 हफ्ते के बीच में भी हो सकते हैं, और ज़्यादातर जो लैब होते हैं इसको 19 हफ्ते से 24 हफ्ते के बीच में 23 हफ्ते के बीच में इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि 24वें हफ्ते में इसको प्रेस्क्राइब बहुत कम से डॉक्टर करते हैं, अगर एनामलीज ज़्यादा होती तो इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। और इस तरीके से ये टेस्ट होते हैं, और बहुत ही अच्छा टेस्ट है, इससे महिला को कोई नुकसान नहीं होता है और बच्चे में भी इससे कोई नुकसान नहीं होता। ये टेस्ट में कोई रेडिएशन वगैरह नहीं गिरती, इसमें साउंड का इस्तेमाल होता है, सोनोग्राफी की तरह ये होता है। और इसमें डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ट्राइजोमी वगैरह इसमें अध्ययन किया जा सकता है, तो इस तरीके से पूरा पता चल जाता है। तो ये है एक जाँच की रिपोर्ट है गाइस, इसमें आप देख सकते हैं जो फीटल का जो ब्रेन है इसको देखा गया है, जो फीटल का जो स्पाइन है रीढ़ की हड्डी उसको देखा गया है, जो स्केलेटल सिस्टम है उसको देखा गया है, जो एक्सट्रीमिटीज़ है उसको देखा गया है। इस तरीके से गाइस इसमें कई तरीके की एबनॉर्मलिटी इसमें इस तरीके से पूरा अध्ययन होता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि फीटल का चेस्ट और जो कार्डिक विजुलाइज सिस्टम है वो कैसा है, जो फीटल का एब्डोमेन है वो कैसा है, और यहाँ पे जो सेकंड ट्राइमेस्टर में जो जो चीज़ें यहाँ पे हैं वो कैसा है। तो इस तरीके से इसमें पूरी की पूरी स्टडी होती है। और इसमें जो है हेड सर्कमफेरेंस है, जो बाइपेराइटल डायमीटर है, जो फीमर लेंथ है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को जाना जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे पैरामीटर बना हुआ गाइस, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और जो प्रेगनेंसी का जो भ्रूण है उसमें ये 265 ग्राम का है, और लगभग यहाँ पे जो समय लिखा गया है वो 19 हफ्ते 3 दिन लिखा गया, 3 दिन आगे पीछे हो सकता है, कम या ज़्यादा इसमें हो सकता है। और जो लिक्विड सिस्टम है गाइस, और जो यानी कि जो एमनियाटिक फ्लूड है उसमें एडिक्वेट अमाउंट में वो ठीक ठाक है। और इसमें जो है कलर डॉपलर में देखा गया है, जो बायलेटरल जो यूटरिन आर्टरी है इसको नॉर्मल पाया गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है गाइस। लेकिन इसमें जो इम्प्रेशन है लास्ट में, इसमें इम्प्रेशन में आप देख सकते हैं इसमें इम्प्रेशन में क्या क्या दिया गया है। तो इस तरीके से गाइस इंप्रेशन में आप इसको देख सकते हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट उसकी तरफ से इंप्रेशन में क्या कहा गया है। तो इसमें कुछ बीमारियां को पाया गया है, इसमें कुछ बीमारी है फीटस में, इसमें सिंगल लाइव जो इंट्रायूटरिन फीटस है, यानी कि इसमें माँ के गर्भ में एक बच्चा है और वो 19 हफ्ते का है, और उसमें 2-3 दिन ज़्यादा या कम हो सकता है। और इसमें एक और प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि शॉर्ट आर लॉन्ग बोन्स विथ वेरी शॉर्ट कर्व, इसमें जो फीमर बोन है वो कर्व है, इसमें जो टेलीफोन हैंडल लाइक अपेरेंस है, और इसमें जो बीमारी है जो स्केलेटल डिस्प्लेसिया हो सकता है, या थैनाटोफोरिक डिस्प्लेसिया हो सकता है, या कैंपमेलिक डिस्प्लेसिया वगैरह इसमें हो सकता है। और यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि टीफा स्कैन से हर प्रकार की एनामलीज का पता नहीं लगाया जा सकता, 30 से 40% की एनामलीज इससे जान सकते हैं। इसके बाद भी कई तरीके के टेस्ट होते हैं जिसकी मदद से आगे मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, एमनियोसेंटेसिस वगैरह हो सकते हैं,
और भी कई तरीके के मार्कर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो गाइज़ ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है, तो हम चलते हैं इसके दूसरे फिल्म में। तो गाइज़ अगर फीटल में कोई एनामलीज है जैसे कि स्केलेटल डिस्प्लेसिया वगैरह है या किसी तरीके से जो बोन एबनॉर्मलिटी है, तो इस तरीके से अगर बच्चा पैदा होता है तो बाद में चल करके कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम से जूझ सकता है, इस तरीके से उसको दिक्कत वगैरह हो सकती है, जो उसका एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह है, एब्डोमेन है, जो ब्रेन है, जो हार्ट है, उसमें कोई अगर जेनेटिक बीमारी है तो बाद में वो बीमारी थोड़ा से उसको इलाज वगैरह नहीं किया जा सकता, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, तो इस तरीके से उसमें उसको टर्मिनेट कराने में ही भलाई होती है और डॉक्टर की एडवाइस से इसको टर्मिनेट कराया जाता है। तो इस तरीके से इसमें ये चीज़ें को देखा जाता। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उसकी फिल्म है इस तरीके से, और ये टीफाई स्कैन की ये फिल्म है जहाँ पे ये टेलीफोन हैंडल लाइक अपीयरेंस है, स्केलेटल को देखा गया है, स्पेशली जो फीमर बोन को इस तरीके से देखा गया है गाइस। तो इस तरीके से ये फिल्म में काफ़ी क्लियर है, इस तरीके से गाइस आप इसको देख सकते हैं और आप इसको समझ सकते हैं गाइस। बहुत ही अच्छा इसमें जो इमेज है बहुत ही अच्छा आया है, वो सोनोग्राफी से अच्छा आता है इसमें, और इसमें इस तरीके से आता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को समझा जा सकता है, इस तरीके से ये टेस्ट जो होता है गाइस। तो गाइस इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से वो बहुत ही अच्छा चित्र इसमें आया। तो गाइस टीफाई स्कैन में इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी हद तक बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, और इसको डॉक्टर और रेडियोलॉजिस्ट ओनोलॉजिस्ट इसको मतलब बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करके प्रेस्क्राइब करते हैं कि आगे क्या करना है, आगे कौन सा स्टेप लेना है। तो ये टेस्ट आप बिल्कुल करा सकते हैं, और इसके अलावा भी कई टेस्ट होते हैं एनोमलीज को पकड़ने के लिए, और ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, इसमें कोई नुकसान कोई रेडिएशन वगैरह कुछ नहीं होते हैं, बिल्कुल सेफ़ होता है, और ये बहुत से लैब में ये उपलब्ध है, बहुत से डायग्नोसिस सेंटर में ये उपलब्ध होता है, और इसको माँ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है टेस्ट कराने से, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है, और जो चाइल्ड होता है उसको भी कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।